चीन अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश चीन लगातार करता रहा है। चीन ने मालदीव पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड स्थापित कर लिया है। मालदीव की सरकार ने चीन को एक आइलैंड लीज पर दिया, 30.5 करोड़ रुपए की लीज पर दिया गया यह आइलैंड सिर्फ और सिर्फ भारत पर नजर रखने के लिए चीन ने मालदीव से लिया है। और सिर्फ हमारे देश से 684 किलोमीटर की दूरी पर यह आइलैंड है जहां चीन अब अपना एक बहुत बड़ा बेस बना रहा है। चीन ने वहां पर निर्माण करना शुरू कर दिया है, चीन ने इस आइलैंड को विकसित करना शुरू कर दिया है, चीन ने इस आइलैंड पर सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं, चीन ने इस आइलैंड पर एयरपोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। चीन का अगर कोई भी फाइटर जेट इस आइलैंड से उड़ता है तो उसे भारत पहुंचने में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट लगेंगे, 20 से 22 मिनट। आप अंदाजा लगाइए चीन किस तरह से भारत को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। चीन प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में भी अपनी पैठ लगातार बढ़ा रहा है। या मालदीव सरकार को अपने साथ मिलाकर चीन भारत पर और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये एक द्वीप है जो कि मालदीव का हिस्सा है, ये चीन ने मालदीव से लीज पर ले लिया है। और मालदीव ने यह हरकत इसलिए की क्योंकि अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान भारत के मालदीव से रिश्ते थोड़े से खराब हुए थे। हालांकि सदियों से मालदीव के साथ भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला यामीन जब राष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल के दौरान भारत के रिश्ते मालदीव से खराब हुए, चीन ने इसका फायदा उठाया। और आपको याद होगा जब अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान भारत की मालदीव से रिश्ते खराब हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मालदीव की यात्रा भी स्थगित करनी पड़ी थी। दुनिया की एक बड़ी हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली रिसर्च एजेंसी है जिसने ये दावा किया है कि अगर चीन मालदीव के इस द्वीप पर अपना अड्डा बना लेता है, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा लेता है तो वो भारत के लिए खतरनाक होगा। ये चीन की एक और ऐसी हरकत है जिस पर भारत नजर बनाए हुए है कि चीन हर उस फिराक में रहता है कि वो भारत के आसपास पड़ोसियों को अपनी तरफ लगातार मिलाता रहे। पाकिस्तान इसका एक बहुत बढ़िया और बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि किस तरह से पाकिस्तान की मदद करके चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाता रहता है, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता रहता है। मालदीव के इस आइलैंड को लीज पर लेकर इसे डेवलप करना इस बात को सिद्ध करता है कि चीन की यह हरकत सिर्फ और सिर्फ भारत की